प्यार बात नहीं करता, प्यार तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता, आपका रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रहा, क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं? क्या तुम अपने रिश्तों को लेकर के इतना ज्यादा वरिड हो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? अगर ये सब कुछ आपके साथ है तो निश्चित तौर पर समझिए कि आपके अपने जीवन में राहु और मंगल दोनों के दोनों डैमेज हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां नमक रख देने मात्र से आपके प्यार के ऊपर आपका अधिकार बन सकता है। अगर वो बात नहीं कर रहा है, अगर वो तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहता है, अगर उसकी नफरत बढ़ रही है, अगर उसने आपको सब जगह से इवन दिन ब्लॉक भी कर रखा है, तो भी आप निश्चित तौर पर समझिए कि आज ये 5 मिनट का उपाय आपके पूरे के पूरे जीवन को चेंज कर देगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीना सिखाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जो लोग आते हैं, जिनके जीवन में मायूसी प्रारंभ हो चुकी थी, जिनके जीवन में हताशा निराशा छा गई थी, जिन्होंने सोच लिया था अब रिश्ता संबंध विवाह परिवार बचाना नामुमकिन हो गया है, उनके लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ गुरु परंपरा से पूरी पद्धति के साथ शास्त्रोक्त ढंग से आपका निदान किया जाता है। ये निदान 4000 रिसर्चर्स के साथ रिसर्च करके आपको दिया जाता है। ये संसाधन, ये व्यवस्था पिछले 200 सालों से वर्क कर रही है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। धन्यवाद करने वालों की संख्या 20 लाख पार करके काफी ऊपर निकल गई है, क्लोज टू 21 लाख है अब। और आप सबने बहुत सराहा। क्यों सराहा? क्योंकि रोज हजारों लोगों का काम हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 2, 4, 5, 10 नहीं। सच मानो अगर हम वो अंडर 5% लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं, उस बात का दंश है, तो इस बात का हर्ष भी बहुत बड़ा है कि हम 95% प्लस लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, उन्हें जीना सिखा रहे हैं, रात में सुकून की नींद हम दे पा रहे हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के रिश्ते संबंध प्यार परिवार सब बच गया है। तो इसके लिए आप सबका बड़ा धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं, क्या तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा? क्या तुम्हारे रिश्तों में अब वो बात नहीं रही? क्या तुम्हारे संबंधों में मधुरता गायब हो गई है? क्या तुम्हारा रिश्ता बच पाना नामुमकिन हो गया है? क्या तुम्हें अब बहुत टफ है सब कुछ ठीक कर पाना तुम्हारे हिसाब से? अगर ये सब कुछ में तुम्हारा हाँ है तो निश्चित तौर पर समझना, सिर्फ 5 मिनट के लिए यहां नमक रख देने मात्र से आपके जीवन में क्रांति आएगी। आपका प्यार आपको पाने के लिए तड़पेगा, उसकी तरफ से आगे बढ़कर के प्रयास किए जाएंगे। अब प्रयत्नों का आगाज आपका नहीं होगा। चुकी ददाति प्रतिगृहणाति, क्या कह रहा हूं? कह रहा हूं ददाति प्रतिगृहणाति नान्य थैसा प्रसीदति। जगरो हास्य मुदंड, जब तक किसी भी कार्य के प्रति आपका रुझान सकारात्मक नहीं होता, जब तक आप उसे जीना प्रारंभ नहीं करते, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता।
इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हर व्यक्ति को लाभ कैसे मिलता है जरा समझने का प्रयत्न करो। यहां आकर लाभ इसलिए मिलता है, यहां तथ्यात्मक बातें करते हैं। यहां वो ये वो YouTube चैनल नहीं है जहां पर वो कागज पे कुछ कोई लिख रहा है, पता नहीं कौन ही लिख रहा है। ये मतलब ये गंडा बना देना, ये ताबीज बना देना और ये कर देना सब हो जाएगा, पता नहीं कहां से उनको कौन ही बताने आता है, ऊपर से भगवान ही साक्षात आता होगा। यहां हम शास्त्र और पुराण खंगाल कर आपको साझा करते हैं। ब्रह्मांड की पहली लव मैरिज, आप इसको ऐसे क्यों नहीं कहते? हम शास्त्रों से वो निकाल कर आपको साझा कर रहे हैं जिसको तुम्हें इस ढंग से कभी बताया ही नहीं गया। ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह भगवान शिव और माता पार्वती का। तो साहब ये व्यवस्था, ये आगाज, ये संसाधन हम शास्त्रों से निकाल कर आपको हर बार साझा कर बताते हैं कि हमने ये उपाख्यान कहां से निकाला है। आज हम कह रहे हैं कि नमक का, आपको आपको एक बात बताऊं, पूरे के पूरे विश्व में नमक का पोछा लगाने के लिए आज से 20 साल पहले मैंने एक आगाज किया था। उसके बाद पूरे विश्व में हर कोई ये जान गया कि नमक के पोछे से नेगेटिविटी समाप्त होती है। इसका आगाज सबसे पहले परमात्मा की कृपा से ईश्वर ने हमें साक्षी बनाया। जीवन में पहली बार हमने लोगों को सिखाया कि अंगूठे में भी कुछ पहना जा सकता है, उंगलियों में ही नहीं, पूरे विश्व में थंब रिंग के नाम से पूरा भूचाल आ गया। हमने कई एक चीजें लोगों को सिखाई हैं, समझाई हैं, बताई हैं। क्यों? क्योंकि वो तथ्यात्मक के अंदर से निकालकर हम तो पढ़कर बात कर रहे हैं। हम तो भैया उन लोगों से भी कहते हैं जो हमें डिसलाइक करते ना, तुम्हारी जान कसम सच मानना, यकीन मानना, ये सब हमारे ही इष्ट मित्र हैं जो हमें डिसलाइक करते हैं। हमारे बच्चे तो क्या ही हमें डिसलाइक करेंगे, सच मानो उनका बस चले तो वो दो बार लाइक करें, अगर दो बार यूट्यूब एक्सेप्ट करता होता तो। ये डिसलाइक करने वाले हमारे अपने शिष्य मंडली के कुछ लोग होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे सीखा है, बहुत ऐसे बच्चे जो अभी भी सीख रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। हमने भी कहीं ने सीखा है, हम कोई आसमान से थोड़ी टपक के आए सीख के, परंतु शायद ईर्ष्या है। और जब कुछ काम करेंगे तो ये सब तो होगा ना। डिसलाइक इस बात का प्रतीक है कि हम काम कर रहे हैं, हम कपोल कल नहीं है, हम ओपन मार्केट में खुले प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हर दिन बेबाक तरीके से बोलते हैं, हर दिन बेबाक आपसे वार्तालाप करते हैं। इसका मतलब है हम सत्य की पटल पर चल रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात का। पिछले कुछ महीनों में हमने डिसलाइक की भी संख्या परमात्मा की कृपा से कम करी है और अनाउंस करके कम करी है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी आरती, जो आरती होते हैं उसको किसी को भी क्या ही प्रॉब्लम होगी, जरा सोचिए, किसी भी आरती का परसेंटेज वाइज डिसलाइक देख लीजिएगा और उसके बाद अपने गुरु जी का वीडियो वापस आके देखना, परसेंटेज में हम उससे भी कम निकलेंगे। अब तो कुछ ही बचे हैं उस तरफ। मैं कहता हूं ना हर बार पॉइंट कुछ परसेंट, वो ये कि थोड़े 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 हम बढ़ रहे हैं। और यकीन मानो तुम लाइक करना भूल जाओगे, वो डिसलाइक करना रोज नहीं भूलते, जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आता है आके पहला डिसलाइक करते हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि कम से कम ये लोग भी कम से कम देख तो रहे, इसी बहाने कुछ तो जान जाएंगे, कुछ तो सीख जाएंगे, कुछ तो मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु विरय बिरंच सम, भगवान ब्रह्मा की तरह भी अगर कोई मिल जाए तो मूर्खों के हृदय में कुछ चेतना नहीं आती, उसके बावजूद भी चेतना आई है, उसके बावजूद भी उन्होंने डिसलाइक करना बंद किया है कुछ लोगों ने। कमाल तो देखिए, हम उसमें भी परसेंटेज वाइज में बहुत आगे बढ़े हैं। खैर, ये सब प्रपंच हम फिर करेंगे कभी, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए भाई, यही तो समय मिलता है तुमसे बात करने का, यही एक समय है 24 घंटे में 2 घंटे सोना और आधे घंटे तुमसे ऑलमोस्ट बात करना रोज, बस इतना सा संवाद है पर्सनल। बाकी तो तुम्हारे ही कार्यों के प्रति बहुत सारे संसाधन है जिनको देखना संभालना पड़ता है, हाँ उसमें लगे हैं। तो आज हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा नमक यहाँ रख दो कुछ मिनटों के लिए, बस इतना सा तो काम है, उसके बाद तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, धैर्य रखना, इसकी पूरी की पूरी बात बता रहा हूं, बस एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी कृपा से मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे पति में, मेरे प्यार में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बदलाव आया है। जो कुछ भी हुआ है सब आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो कभी कुछ भी ठीक नहीं हो पाता। मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्नता, आनंद और खूब सारा प्यार दे। आपके जीवन में हर सुख मिले आपको और आपकी हर अभिलाषा पूरी हो। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सदगुरु नाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण, 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 125 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। तो आज मैं कह रहा हूं कि भाई जरा संभल कर चलना। नमक नेगेटिविटी समाप्त करता है। नमक में वो पावर है कि आपके भोजन में स्वाद बरकरार करने की क्षमता रखता है। नमक अपने आप में प्राकृतिक रूप से मिली एक ऐसी औषधि है जिसको ईश्वर ने ही पानी में मिक्सित करके भेजा है। आपके आंसू, आहा, जरा थोड़ा गहरा उतरने जा रहा हूँ, थोड़ा संभाल लेना यहाँ पर अपने आप को। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे आंसुओं में बस वही पानी फिर से भगवान वापस भेजता है। आप सच मानो कि नमक द्वेष का, कष्ट का, दुखों का प्रतीक है। जिसने बहुत दुख झेला हो ना, जिसने बहुत आग में अपने आप को तपाया हो, वो कुंदन बन जाता है। इसलिए ये औषधि है, इतना सा पड़ता है सिर्फ मात्र, और पूरे की पूरी चीजों को टेस्ट चेंज कर देता है। इसकी मात्रा अनुकूल रखना जीवन में भी आवश्यक है। नमक इश्क का हो या नमक स्वाद का हो, दोनों में मात्रा और अनुपात बराबर रखने की कोशिश करनी है। अब आपको करना यह है, आपको एक कांच के बर्तन में एक वाइट पेपर पे बिना पेन चलाए, किसी भी डंडी से, कलम से, तुलसी की लकड़ी से इत्यादि से अपनी बात अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। अपनी बात अपनी लैंग्वेज में लिखना मतलब तुम्हें हिंदी अंग्रेजी आती है, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, तो तुमने सीखी है। तुम्हारी लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ ना लिखाया जाए, बस पेन चलाया जाए और सोचा जाए कि हम लिख रहे हैं। जैसे अगर तुम्हें सपोज करो कि चाइनीज नहीं आती और आपको कहा जाए चाइनीज में लिखो, और आप अंदर मन में ठान लें कि हम बहुत अच्छे चाइनीज लिखते हैं। आपको उर्दू ना आता और आपको कहा जाए कि आप सोच लें कि आप उर्दू अच्छा लिख सकते हैं और आप पेन चलाएं जबरदस्ती कि हम उर्दू बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो बस उस तरह से अपनी बात कागज में लिखिएगा। लिखकर किसी भी बर्तन में, ओपन बर्तन में, बड़े बर्तन में या ग्लास इत्यादि में भी किया जा सकता है। उसमें डाल दें, थोड़ा पानी डालें और 3 चम्मच नमक डाल देना है। जन्म पाप संहारम मोक्ष यावत विवाम में हम, ईश्वर की कृपा का ये 3 संख्या से बहुत संसर्ग है। 3 देवता, 3 देवियां, 3 लोक और 3 ही प्रहर, सुबह दोपहर शाम, और ऐसे कई सारी चीजें, 17 स्तंभ, बहुत सारी वेद और वेदांगों में बातें लिखी हैं 3 की। ज्योतिषी आधार पर 3 नंबर प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिषी आधार पर, तांत्रिक आधार पर, मांत्रिक तौर पर 3 नंबर चीजों को आपकी तरफ खींच कर लाता है। 2 से 3 होने के यानी प्रेम की प्रसंगता को अग्रिम व्यवस्थाओं की ओर मूव ऑन कराने की व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्रपात करने वाला नंबर 3 है। तो 3 चम्मच नमक डाल दें अपने ऊपर से 3 बार उतार करके। कहीं भी अपने ही रूम में जहां आप सो रहे हो उसमें आपको राहु की दिशा में रखना है, यानी पश्चिम और उत्तर के कोने में रख दीजिए इसको, और सुबह रात्रि रखिए और सुबह तक इसे रखा रहने दीजिए। सुबह जब इसका कलर अगर चेंज हो जाए तो समझना संकट थोड़ा भारी है।
फिर हम आगे उस पर कार्य करेंगे। अगर सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कागज से लेकर के पानी से लेके ग्लास से लेके कहीं कोई दिक्कत ना आए, तो आप समझ जाना कि आपका काम हो गया। शक्तियों ने आपके लिए आपका काम किया है। बस प्रणाम करके रखना, गुरु आदेश लेकर के रखना, गुरु को प्रणाम करना, अपने इष्ट को प्रणाम करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। भगवान शिव आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव और सब कुछ प्रदान करें जो आप चाहते हैं। तो मुस्कुराइए चंद्रगनी, अपना बहुत ख्याल रखिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, प्रीवियस लाइफ पर बताना किसी को। थोड़ा एक बात और ध्यान रखना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, ये सब करने से रिश्तों का मूल्य समाप्त हो जाता है। कृपया ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से संबंधों में खटास आती है। छोड़कर जा रहा हूं, खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सदगुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पत शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 25 करोड़ शिवलिंग निर्माण, यज्ञ एवं शिव महापुराण, 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 25 करोड़ शिवलिंग निर्माण, महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सदगुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सत्मार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9963660125। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।